स्कूटी की रिम में छेद क्यों होते हैं? असल में दोस्तों इन होल्स को लग होल्स के नाम से जाना जाता है और बेसिकली इन होल्स को बनाने के दो मेन रीजन होते हैं। पहला एयर फ्लो। असल में दोस्तों जब भी आप किसी स्कूटी या फिर बाइक को चलाते हुए स्टार्ट टर्न लेते हैं तो उस टाइम एयर का प्रेशर आपकी बॉडी में लगने के साथ साथ आपके व्हीकल्स के टायर पे भी लगता है। और ऐसे में अगर किसी व्हीकल्स की रिम में छेद नहीं होंगे तो इस कंडीशन में एयर का प्रेशर काफी बड़े अमाउंट में एक ही साइड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा। अब अगर बात दूसरे रीजन की करें तो वो है आपके व्हीकल्स के माइलेज को बढ़ाना। असल में दोस्तों छोटे छोटे होल्स की वजह से आपके स्कूटी के टायर्स का वेट काफी कम हो जाता है, और ये बात तो सभी को पता होगी कि टायर्स का वेट जितना कम होगा आपके व्हीकल्स का माइलेज उतना ही ज्यादा होगा।